प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का टारगेट विथ एमआर गोरसिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, कक्षा 10 का पाठ नंबर 2 है, अध्याय 2, राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवताओं के बारे में। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर ये। अब देखो, इसमें अपन देखते हैं राजस्थान के संत एवं लोक देवता। तो यहाँ अपन देखेंगे सबसे पहले लोक देवता से क्या तात्पर्य। तो अपन देखते हैं यहाँ पर लोक देवता के बारे में। तो यहाँ अपन देखेंगे लोक देवता के बारे में, अपन आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ अपन देखते हैं प्रमुख रूप से लोक देवताओं के बारे में वर्णन अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ अपन देखते हैं लोक देवता, ये दर्शाया गया लोक देवता। 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम प्रवेश एवं तुर्क आक्रमण के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभाव तथा रूढ़िवाद और आडंबर से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनुष्यों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान, मनन व स्मरण की दिशा की ओर प्रभावित होने लगा। इसी कालखंड में राजस्थान कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को कई नई राह दिखाई। आमजन ने इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण के वर्ण उन्हें देवता तुल्य मानते हुए उन्हें लोक देवता व लोक संत का दर्जा दिया। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ महान व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले गोगा जी के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो गोगा जी का यहाँ है पांच पीरों में बड़ी, गोगा जी का नाम राजस्थान के पांच पीरों बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। पाबू, हरबू, रामदेव, मंगलिया, मेहा, पांच पीर पधारियो गोगा और जिया। तो कितने पीर है? पांच पीर है, उसमें किसका नाम आता है? गोगा जी का नाम भी आता है। अब आगे अपन बढ़ते हैं इसके बाद में क्या दर्शाया गया है यहाँ पर। आप देखो इनके पिता का नाम क्या था? जेवर। माता का नाम बासल, कभी कभी पूछते। और इन्हें गोरखनाथ व मुहम्मद गजनवी के समकालीन, तो ऐसा प्रश्न भी पूछते हैं कि राजस्थान का कौन सा देवता है जो मोहम्मद गजनवी के समकालीन था? तो गोगा जी का अपने मौसेर भाई अर्जुन और सरजुन से साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जुन सरजुन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध होता है। इसमें अर्जुन सरजुन और गोगा जी व वीर गति को प्राप्त होते हैं। अब देखो इसके बाद में अपन देखते हैं गोगा जी का जन्म है वह कहां पर होता है। वह देखो ये ददेरवा, जन्म ददेरवा सिरस मेड़ी के नाम से, इसका समाधि स्थल उसको क्या कहते हैं? दुर्मेड़ी कहा जाता है। गोगा जी की स्मृति में गोगा मेड़ी एवं राजस्थान में भाद्र पद कृष्ण नवमी को, ये ध्यान रखना प्रश्न आ रहे इसमें ऐसा पूछा गया, तो कौन सी भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी के अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। इसका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति पूजा स्थल प्राय गाँव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। किसके नीचे होता है? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। मान्यता है कि गोगा जी को जहार पीर कहा जाता है। क्या कहते हैं? जहार पीर। और पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू इसे नागराज कहते हैं, मुस्लिम इसको क्या कहते हैं? गोगा पीर भी कहा जाता है। अब अपन आगे देखते हैं तेजा जी के बारे में। तेजा जी का जन्म कहाँ होता है? तेजा जी का जन्म है वह कहाँ पर हुआ है? खरनाल में। कहाँ पर होता है? खरनाल, नागौर के तहाड़ जी और रामपुरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 ईस्वी में हुआ था। तेजा जी अपनी पत्नी का नाम क्या था? पेमल को लेने ससुराल पनीर गए थे। ससुराल कहाँ था? पनीर, ये ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं
उसी दिन मेर लोग लाछा गुजरी की गायें चुरा कर ले गए। कौन ले गए? मेर लोग। किसकी गायें? लाछा गुजरी की गायें। ये ध्यान रखना, क्या धरन? लाछा गुजरी। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में इन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर सर्प मिला। कौन सा स्थान है? सुरसुरा। तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद समय यहाँ आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी ने गायें मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरा शरीर पर घाव होने के कारण उन्होंने सर्प के डसने के लिए जीवा आगे कर दी और उसके बाद में सर्प दस के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है, ये ध्यान रखना। और इस अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा पर्वत्सर नागौर में क्या लगता है? पशु मेला लगता है, ये ध्यान रखना। आगे अपन देखते हैं, तेजा जी भी गोगा जी की तरह गायों के देवता के रूप में पूजनीय हैं। आगे देखते हैं अपन, तेजा जी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया गया जिसकी जीवा को सर्प डस रहा है। मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजा जी की तांत डोरी बांधी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता है। लोक देवता से संबंधित यह मान्यता व कथाएँ अक्सर सत्य में आवश्यक नहीं है। इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि आम जन तक पहुंचाना है। अब अपन देखते हैं बाबूजी के बारे में। बाबूजी के बारे में देखते हैं, बाबूजी का जन्म है वह दांदल राठौड़ के यहाँ 1239 में कोड़ू में हुआ। इतिहासकार मोनोत नैनसी, महाकवि मोड़जी आसिया तथा लोगों ने प्रचलित मान्यता के अनुसार बाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर के 8 कोस आगे खारी खाबड़ में जूना नामक स्थान को ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। बाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। विवाह के मध्य उनके प्रतिद्वंद्वी बहनोई जायल नरेश जींद राव खीसी ने पूर्व वैर के कारण देवलचारणी, किसकी गाय? देवलचारणी लासा गुजरी, ध्यान रखना, कि गायों को घेर लिया। देवल ने बाबूजी के गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात 100 फेरे से पूर्व हुई वे देवलचारणी की केसर कालवी घोड़ी पर, बाबूजी घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालवी होकर गायों की रक्षार्थ रवाना हो गई। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में बाबूजी अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हुए। वीरता, प्रतिज्ञा पातन, त्याग पालन, त्याग शरणागत वत्सलता एवं गोरक्षक हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस में लोक देवता रूप में पूजता है, पूजा जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं इनका मुख्य पूजा स्थल कोलू फलोदी में। इनका मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर? कोलू फलोदी में, ध्यान रखना, जहाँ प्रतिवर्ष इसकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में है। बाबूजी ऊँटों के देवता है, किस्म के रूप में? ऊँटों के। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? बाबूजी को दिया जाता है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपियों द्वारा बाबूजी की फड़ गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस में इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार, बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण जी का अवतार भी माना जाता है, ये ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं अपन, देव नारायण जी बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेडू गुर्जर के पुत्र थे। किसके थे? भोजा और सेडू गुर्जर के पुत्र थे। इनका जन्म 1243 में हुआ। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही विनायक के शासक संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए। विनायक शासक से इनकी रक्षा हेतु उनकी माँ सेंडू इन्हें लेकर अपने पीर मालवा चली गई। 10 वर्ष की अल्पायु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे तो मार्ग में धारा नगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल देश से उन्होंने विवाह किया था। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु भिनाय पहुँचे, जहाँ गायों को लेकर भिनाय ठाकुर हुए संघर्ष में देव जी ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब देखो आगे, इसका
इनका पूजा स्थल है वह कहाँ पर है? आसिद भीलवाड़ा में। इनका पूजा कहाँ पर? आसिद भीलवाड़ा, ये ध्यान रखना। उसके बाद में जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है, इनके मुख्य अनुयायी गुर्जर है। देव जी की फड़, देव जी बगड़ावत से संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। किंवदंती है कि हर रात तीन पीर पहर गाए जाने पर यहाँ छह माह में पूर्ण होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं मलिनाथ जी। मलिनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? मारवाड़ के रावल सालखा और जींदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 में हुआ। पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कान्नर देव के यहाँ मही माह में शासन प्रबंध करने लगे। चाचा कान्नर देव की मृत्यु के बाद 1374 ईस्वी महिवा के स्वामी बने। राज्य विस्तार क्रम में 1378 में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया था। तो मलिनाथ जी फिरोज तुगलक के साथ में समकालीन थे। अपनी रानी रूपा देव की प्रेरणा से वे 1389 में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध थे। मलिनाथ जी ने मारवाड़ में सारे संतों के एक तरफ 1399 में एक व्रत हरि कीर्तन आयोजित करवाया था। और उसके बाद में अपन देखते हैं इसी वर्ष सेत शुक्ला द्वितीय को इनका स्वर्गास्वर लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा स्थान बाड़मेर में इनका मंदिर है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी में से चैत्र शुक्ल एकादश तक विराट पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिमी प्रगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया और इसका आज भी बाड़मेर को मालानी कहते हैं। अब अपन पढ़ते हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी हैं तवर वंशी थे और अजमाल जी और मैणा दे के पुत्र। रामदेव जी जन्म बाड़मेर के शिव के ऊंडू काश्मीर गांव में हुआ था। इन्होंने मलिनाथ जी के समकालीन थे। ये भी किसके सम? मलिनाथ जी के। बालपन में इन्हें पोकरण क्षेत्र मलिनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहां भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक खत्म किया। इनका विवाह अमरकोट दलजी सोढ़ा की पुत्री नेतल देव से हुआ था। अपनी भतीजी को पोकरण देश में दे देने के बाद इन्होंने रामदेवरा रूणीचा गांव बसाया था और वहां इनकी 1458 में भाद्रपद शुक्ल दशमी को जीवित समाधि ली थी और यहां भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेले का आयोजन हुआ किया जाता। बहुत बड़ा मेला हुआ यहां पर है, भरता है, सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कहा जाता है। अब आगे बढ़ते अपन। हिंदू जहाँ कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, तो किसके अवतार माने जाते हैं? कृष्ण के अवतार इनको माना जाता है, ध्यान रखना ये। वही मुसलमान इनको क्या कहते हैं? रामसा पीर कहा जाते के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। सामान्यतः गांव में वृक्ष के नीचे किसी वृक्ष के नीचे चबूतरे पर रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह पगड़िए स्थापित किए जाते हैं। वे स्थान क्या कहलाते हैं? थान। रामदेव जी द्वारा कांवड़िया पंथ की स्थापना। कौन सा पंथ है? कांवड़िया। इस पंथ के अनुयायी द्वारा रामदेव जी के मेले में तेरह ताली नृत्य। कांवड़ जाति के लोग कौन सा नृत्य करते? तेरह ताली नृत्य। रामदेव जी को वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी और इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। अब अपन आगे बढ़ते हैं मिया जी मंगलिया। मिया जी मंगलिया अपन देखते हैं पाँच पीरों में गिने जाते हैं। ये राव चूड़ा के समकालीन थे। इनका जन्म पंवार छत्री परिवार में हुआ था। पालन पोषण नलियाल में मंगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए ये मेहा जी मंगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए। अंत में जैसलमेर के राघवदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वे अच्छे सुकन शास्त्री थे। लोगों की सेवा सहायता करने एवं उन्हें संरक्षण देने कारण वे लोक देवताओं के रूप में पूजे गए। बापणी में इनका मंदिर है, कहाँ पर है? और जहाँ पर भाद्र कृष्णाष्टमी को मेला लगता है, बापणी में, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं हड़बू जी। हड़बू जी का वह है जन्म नागौर के सांखला के पुत्र राव जोधा के समकालीन थे। अपने पिता भुंडेल में, कहाँ पर? भुंडेल
पिता की मृत्यु पश्चात वे बुंदेल छोड़कर हर भम जाल में आकर बसे। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर गुरु बालीनाथ से दीक्षा ली। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर मुक्त कराने प्रयासों के तो इन्होंने आशीष के एक कटार भी दी थी। इस सहायता व आशीर्वाद से यह भूभाग जोधा के अधीन आ गया था तो जोधा इन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया। हरभूत जी को बहुत बड़ा सुकन शास्त्री वचन सिद्ध चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। इनका प्रमुख स्थान बेंगटी फलोदी में मनोतिपूर्ण होने पर श्रद्धालु मंदिर में हरभूत जी की गाड़ी पूजा अर्चना करते। अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं अकबर के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता व साहस दिलाने वाले कल्ला जी की मेवाड़ अंचल में चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। तो चार हाथ वाले लोक देवता किसको कहा जाता है? कल्ला जी को कहा जाता है। ध्यान रख, मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्ला जी धड़ मुगलों से लड़ता रहा था। अब है आपके संतों में सबसे पहले संत है वह है धन्ना। अब देखते हैं अपन धन्ना में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश श्रेय। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश किसको है? धन्ना को। धन्ना का जन्म है टोंक जिले के धुवन गांव में 1415 में जाट परिवार में। बाल्यावस्था में वे इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए। रामानंद के प्रभाव में ये निर्गुण उपासक हो गए। किसके कैसे थे? निर्गुण। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए आत्मशुद्धि का प्रयास किया। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है और इन्होंने नाम स्मरण को ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन बताया तथा औपचारिकताओं और आडंबरों का विरोध किया। अब है पीपा। पीपा वह किसी राजपूत थे, गागरोन के शासक थे और इनका जन्म है 1425 में हुआ माना जाता है। कलो प्रांत पीपा काशी जाकर रामानंद की किसके रामानंद के शिष्य बन गए। धन्ना के सम्मान इन्हें ग्रस्त जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारका यात्रा पर जाते हुए गागरन पधारे। जब पीपा का राज्य त्याग कर रानी सीता सहित उनके संग हो गए। इसके पश्चात घूमते हुए टोंक में आए और वहाँ के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाए। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए पुनः गागरोन लौट आए और आहू तथा कालीसिंध पवित्र से गुफा में रहने लगे। यहाँ मंदिर निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध है। बाड़मेर के समदड़ी में पाबू जी का भव्य मंदिर है। यहाँ इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज के लोग हैं। कौन से? दर्जी समाज। प्रतिवर्ष है कब है? सात्र सुख पूर्णिमा को विशाल मेला आयोजित होता है। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध हैं। पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साख्या पद आदि मुख्य हैं। 17वीं शताब्दी में हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित चिंतावणी नामक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। ध्यान रखें, चिंतावणी नामक ग्रंथ भी प्राप्त है। अब आगे अपन देखते हैं। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया। भक्ति को वे मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर उपासना करते पर जोर देते हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते। वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं। अब अपन देखते हैं जाम्बोज। अब देखो ये विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। 1451 में भाद्र कृष्ण अष्टमी को पीपासर में जन्म हुआ। कहाँ पर? पीपासर में। पंवार वंशीय राजपूत लोहट जी व हंसा देवी के घर में जन्म हुआ। 83 में माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग कर सम्राथल बीकानेर में रहने लगे। सत्संग हरी सरसा में अपने समय व्यतीत करने लगे। 1485 में इसी स्थान पर विष्णु संप्रदाय की स्थापना की। इनके जीवन तथा विचारों पर आचरण करने वाले विष्णु कहलाते हैं। इन्होंने अपने अनुयायी को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया। जीव कल्याण तथा वृक्षों की रक्षार्थ प्राण उत्सर्ग करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है।
जम्बोजी द्वारा रचित ग्रंथ जम संहिता और जम सागर शब्दाली विष्णु धर्म प्रकाश जम सागर प्रमुख हैं। आगे अपन देखते हैं 1436 में लालासर गांव में उन्होंने अपना नश्वर त्याग दिया। तालवा गांव के निकट इन्हें समाधि कहां पर है, तालवा गांव के निकट इस समाधि, ध्यान रखना। ये स्थल मुकाम भी कहलाता है। वर्ष में दो बार फाल्गुन और आश्विन मासक यहाँ मेला लगता है। कितनी बार लगता है, दो बार लगता है, ये ध्यान रखना। जसनाती संप्रदाय के पर्वत जसनाती के जन्म 1482 कत्रिया सर बीकानेर में हुआ। हमीर जी जानी जाट और रूपा दे के पोष्य पुत्र माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गौरव मालिया बीकानेर 12 वर्ष कठोर तपस्या करते हुए सभी को जीवों पर दया करने का संदेश दिया था। जसनाथ जी को लोक पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया। ने लोह पांगल राम लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी दिया। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी तक ने इन्हें कत्रियासर के पास भूमि दी। तो आपको बताना कौन था, सिकंदर लोदी, ये ध्यान रखना। 1500 में जसनाथ जी तथा जम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्प आयु में कत्रियासर में जीवित समाधि ले ली थी और इनके उपदेश सेवा सिंबुदड़ा और कोंडा ग्रंथों में संग्रहित हैं। कत्रियासर जसनाथ जी की तपोभूमि व कर्मस्थली यहाँ प्रतिवर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी माघ शुक्ल सप्तमी क्षेत्र कितनी बार मेला लगता है, 3 बार मेला लगता है, ये ध्यान रखना। लालदासी संप्रदायिक प्रवर्तक लालदास है। मेवात अलवर में धोलीधू गांव में स्वर्ण कृष्ण 1504 में हुआ था। इनके पिता चांदवल माता समदा थी। लालदास ने तिजो राके फकीर गदन शिस्ती से दीक्षित होकर उन्हीं के प्रेरणा धोली धूप छोड़कर बांदोली गांव में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली। मेवात में फैली धार्मिक व सामाजिक कृतियों को दूर करते हुए लालदासी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया। संत लालदास ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने के संदेश दिए। इनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक हैं। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है समय उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते। कौन से मुसलमान हैं, मेव, ध्यान रखना। लालदास की चेतावनियां इनका मुख्य ग्रंथ है। लालदास की चेतावनियां। नगला में 108 वर्ष की दीर्घायु में 1648 में इनका निधन हुआ। इसका समाधि वह शेरपुर में है, ध्यान रखना। यहाँ आश्विन मास की एकादशी को माघ पूर्णिमा का मेला लगता है। अब अपन देखते हैं संत हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हरिदास का जन्म डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में 1455 में। किस संप्रदाय के, निरंजनी संप्रदाय। मूल नाम हरि सिंह साखला। प्रारंभ में लूटमार करना इनका पैसा था लेकिन एक सन्यासी के उपदेश में इनका जीवन बदल दिया। 1513 में इन्हें बोध ज्ञान प्राप्त हुआ और अपना नाम हरिदास कर दिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया, कुरीतियों का विरोध किया और इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। और इस संप्रदाय में परमात्मा अलख निरंजन हरि निरंजन कहा जाता है। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में डीडवाना में 1543 में इनका देहांत हो गया। अब है दादू दयाल। दादू दयाल के बारे में अपन देखते हैं कि राजस्थान के कवि दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को 1544 को माना जाता है। वृंदावन नामक स्थान में दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 में सांबर आकर रहने लगे और धूर्णिया का कार्य प्रारंभ कर दिया। यहाँ से दादू ने उपदेश देना प्रारंभ किया। 1575 में दादू 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए। 14 वर्ष निवास इन्होंने वहीं किया। 1585 में मुगल अकबर से भेंट हेतु फतेहपुर सीकरी भी गए थे। इसके बाद में अपन देखते तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते व उपदेश देते। 1602 में फुलेरा के समीपवर्ती ग्राम नारायण में आ गए और यहीं ज्येष्ठ कष्ट अष्टमी 1603 देह त्याग दिया। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देश अनुसार ही समस्त भैराना पहाड़ी में दादू खोल नामक स्थान पर रखा गया और यहाँ पर दादू पंथी व इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते।
अब देखो इसमें आगे क्या है, दादू के ब्रह्म जीव जगत मोक्ष पर अपने उत्पेशल सिंधुकड़ी भाषा में दिए। दादू की दादू वाणी, दादू का दुहा, ग्रंथों में दादू के उपदेश विचार हैं। दादू कबीर की तरह सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले, परम तत्वों की तलाश करने वाले थे। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा प्रथा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया। गरीब दास, मिस्किन दास, सुंदर दास, बखना जी, रज्जब माधव दास इनके शिष्य थे। देखो गरीब दास, मिस्किन दास, सुंदर दास, बखना जी, रज्जब माधव दास आदि इनके शिष्य थे। अब अपन आगे पढ़ते हैं मीराबाई। कृष्ण भक्त कवित्री गायिका मीराबाई 16वीं सदी के भारत के महान संतों में एक। मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। इनका जन्म मेड़ता के राठौर दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर कोड़ की पाली में हुआ था, 1498 के लगभग हुआ। इनके पिता रतन सिंह राठौर कांके बाजोली के जागीदार थे। कांके थे बाजोली के। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ। इनका विवाह 1516 में राणा सांगा के ज्येष्ठ युवराज भोजराज के साथ हुआ, पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही पति की मृत्यु हो जाने से यह तरुण व्यथा में विधवा हो गई। मीरा का साधु संतों में उठना बैठना और उनके साथ भजन कीर्तन करना उनके देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने तथा सर्प से कटवाने का प्रयत्न किया कि तो मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं हुई। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ। यहाँ एक बार बारात को दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका मीरा अत्यंत प्रभावित हुई और अपनी दादी के पास जाकर उत्सुकता से उन्हें दूल्हे के बारे में पूछने लगी। दादी ने तुरंत गिरधर गोपाल नाम बताया। मीरा को तभी से गिरधर गोपाल की लगन लग गई और उसके बाद में मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात के द्वारिका के डाकोर में स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई थी। कहाँ पर है? गुजरात के डाकोर में रणछोड़ मंदिर में चली गई। 47 में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। मीरा की पदावलियाँ क्या है? पदावलियाँ इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता यह थी कि इन्होंने ज्ञान से अधिक भावना श्रद्धा को महत्व दिया। मीरा की भक्ति कांता भाव भक्ति रही है। अब अपन देखते हैं संत राणा बाई। राजस्थान की दूसरी मीरा संत राणा बाई का जन्म मारवाड़ हरनावा मकराना के पास गांव में वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 में एक जाट परिवार हुए। इनके पिता का नाम राम गोपाल तथा माता का नाम गंगाबाई। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या राणाबाई कृष्ण भक्त में 66 वर्ष की उम्र में हर्षनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी 1570 में राणाबाई ने जीवित समाधि ली। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशा को विशाल मेला लगता है। अब अपन देखते हैं संत मावजी। ये संत मावजी का जन्म 1714 को हुआ था और साबला गांव में हुआ। मावजी ने अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने के लिए निष्कलंक नामक संप्रदाय प्रारंभ किया। कहा जाता है कि जब इनकी आयु 12 वर्ष थी तो यह घर छोड़कर मई और सोम नदियों के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। 1784 माघ शुक्ला दशमी गुरुवार को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी दिन वहाँ पर मावजी विनेश्वर नामक धाम की स्थापना है। विनेश्वर में किसका? मावजी का। और इनके बाद इन्होंने धर्मोपदेश देना प्रारंभ कर दिया। अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को शामिल किया। इन्होंने लच्छाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद के कागज मंगवाया और धोलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनके छंदों की संख्या 72,96,000 बतलाई जाती हैं। वाद विवाद की शैली में लिखे गए ये ग्रंथ क्या कहलाते हैं? चोपड़ा कहलाते हैं। मावजी के ये चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकल जाते हैं। मावजी के अनुयायी विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार मानते हैं। डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में है। इनका मुख्य मंदिर साबला में संत मावजी शंख चक्र गद्दा पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति विनेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम जाखम और माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। अब आगे रामचरण।
जयपुर राज्य के अंतर्गत सोड़ा गांव में माँ शुक्ला चतुर्दशी 1719 को वैश्य कुल में बक्ताराम और देव जी के यहाँ रामकृष्ण का जन्म हुआ। रामशरण का मूल नाम। देवड़ा के दातड़ा गांव में महाराजा कृपाराम सिर्फ 1751 ईस्वी दीक्षा प्राप्त करके रामकृष्ण रामचरण बन गए। 1758 में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उचट गया। रामचरण वैरागी हो गए। इनके बाद भीलवाड़ा में साधना करते उन्होंने निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया था। कैसी भक्ति थी? निर्गुण। और सभी के प्रति क्या दिया था? प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचंद्र कुहाड़ा गांव चले गए। शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर वहां शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया और मठ भी स्थापित किया। राम नाम स्मरण करते रहे। 1798 में शाहपुरा में इनका निधन हुआ। इनके आध्यात्मिक उपदेश से वह अणभैराणी नामक ग्रंथ में संकलित है। रामचंद्र द्वारा प्रवर्तित पंथ रामसनी संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय की चार प्रधान गद्दियाँ मानी जाती हैं। इन शाखाओं में रामचरण व सापरा शाखा का संस्थापक है। अन्य तीन है रैण शीतल और खेड़ापा। कौन सी है? रैण शीतल और खेड़ापा। इसके बाद में अपन देखते हैं तीन प्रमुख हैं रैण शीतल और खेड़ापा। इसके संस्थापक है रैण के संस्थापक किसको माना जाता है? दरियाब जी। हरिदास जी कांकर सिंथल के और रामदास जी खेड़ापा के माने जाते। रामसनी संप्रदाय के फूल डोल महोत्सव इस संप्रदाय की अपनी विशेषता। फूल डोल तो कहाँ पर होता है? शाहपुरा। ध्यान रखना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में निम्न में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है? बाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी, तेजा जी शामिल नहीं है। कौन नहीं है? तेजा जी। तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सुरसरा अजमेर ब्यावर में हुआ था। ये ध्यान रखना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। धन्ना किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। धन्ना किसके? रामानंद के। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ये आपको मालूम है जाम्बो जी थे। कौन थे? जाम्बो जी। ये आपके इस प्रकार ये पाठ हो गया पूरा। थैंक यू, धन्यवाद। आपने अच्छी तरह से इस पाठ को देखा। राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।